हेलो बच्चों, कल का क्लास हम लोगों ने जो किया था, कल के क्लास में हम लोगों ने फ्लैमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास, ये पोएम पढ़ाई की थी. एंड एट द एंड ऑफ द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोज चैप्टर ऑफ द सेम बुक. I told you the name of the chapter as well. The name of the chapter is The Last Lesson by Alphonse Daudet. For your reference, see, this is the name of the chapter, The Last Lesson by Alphonse Daudet. तुम थोड़ा confused होगे कि तुम्हारे तुम में से हर बच्चे के पास अभी textbook शायद नहीं होगी. तो तुम्हें करना क्या है इसके लिए? इस वीडियो के YouTube जो तुम लिंक ओपन करोगे उसके साथ डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का PDF टेक्स्ट साथ में ही हम लोग ऐड कर देंगे. तो तुम जब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करना, डिस्क्रिप्शन ओपन करना, उस चैप्टर का PDF निकाल लेना, उसको रेफर करना और अपनी पढ़ाई करना. और जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो तो सीधे पढ़ाई कर पाएगा. तो अब ये एक्सक्यूज हम लोग की लाइफ से खत्म हो रहा है कि हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है. नहीं होता है, यू कैन फाइंड दिस चैप्टर ऑन गूगल, ओपन दिस, फाइंड द टेक्स्ट एंड स्टार्ट योर स्टडी. तो अब यहां से हम लोग पूरी तरह से इस चैप्टर पर कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं. तुम तो जानते ही हो कि हम लोग अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं. हम लोग अपनी पढ़ाई जब भी करते हैं, इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर वी टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द ऑथर ऑफ द स्टोरी एंड टू सम एक्सटेंट वी ऑल्सो टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी. तो आओ स्टार्ट करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इस चैप्टर का. बुक का पहला चैप्टर है, इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक. और नाम क्या है देखो उसका, द लास्ट लेसन. इट इज सो इंटरेस्टिंगली आयरोनिकल, द फर्स्ट लेसन हैज बीन नेम्ड द लास्ट लेसन. लेकिन ऐसा नहीं है. अल्फोंसे दौदे द राइटर, तुम सोच रहे होगे कि व्हाई एम आई pronouncing the name as Alphonse Daudet and not as Alphonse Daudet. There is a reason. Actually, Alphonse Daudet was a French writer. And tum mein se jin bachcho ko bhi thoda bahut French ka exposure hai, wo jante honge shayad, that in the French language, these last consonant sounds are not pronounced clearly. Isliye Daudet becomes Daudet. So Alphonse Daudet was a French writer who wrote this story, The Last Lesson. This story, The Last Lesson, was written in the backdrop of a war. War. I said war. Kaunsa war? Let's mention it. That war was a very, very famous war in history named the Franco-Prussian War. Apni text mein tum dekh paoge, in the beginning of the chapter, it has been clearly mentioned Franco-Prussian War was fought in the year 1870. I'll write it here, 1870 to 1871. Now, the basic idea is to know, hum logo ko bahut deep history mein nahi jana hai, Prussia and France. Prussia, loosely speaking, was a mix of थ्री कंट्रीज. यहां लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, तुम देख सकते हो, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, मेनली जर्मनी. इट वाज अ जर्मन ऑक्यूपेशन. तो प्रशिया, और यहां समझते हैं, तो प्रशिया का मतलब लूजली हम क्या समझ लें, कौन सी कंट्री लड़ रही थी, इट वाज जर्मनी. और फ्रांको से कौन सी कंट्री को समझ लिया जाए, फ्रांस. सो जर्मनी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट फ्रांस. और इस वॉर का कंक्लूजन क्या हुआ, व्हाट वाज द एंड रिजल्ट, द एंड रिजल्ट वाज दैट जर्मनी डिफीटेड फ्रांस. तो कौन किसको हराया, जर्मनी डिफीटेड, यहां लिख देते हैं, जर्मनी डिफीटेड फ्रांस. एंड व्हेन फ्रांस वाज डिफीटेड बाय जर्मनी, देखो जब भी कोई लड़ाई जीती जाती है, एक कंट्री दूसरे को हराती है मिलिटरली. मिलिटरली मतलब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होने पर एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है जीतने के बाद, तो उसके सारे रिसोर्सेज उसके हाथ में आती है. लेकिन यह चैप्टर इसके बारे में एक्चुअल नहीं है. यह चैप्टर तो उस किस्म के ऑक्यूपेशन के बारे में है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को हरा देती है,
हाउ डज द एक्चुअल इंस्लेवमेंट अकर, इंस्लेवमेंट. देखो, इंसान असली स्लेव तब नहीं बनता जब कोई एक कंट्री दूसरे को हरा देती है. तब तो बल्कि चांस होता है दैट यू माइट फील लाइक अ रिबेल. रिबेल मतलब विद्रोही. यू माइट फील लाइक अ रिबेल. तुम हो सकता है कि एक साथ जुड़ जाओ और बहुत विरोध करो, लड़ाई करो, रिबेलियन करो. असली एनस्लेवमेंट तो तब होता है जब हम किसी को मिलिटरली नहीं जीतते, उसके ब्रेन को जीत लेते हैं, ब्रेन्स को, उसके ब्रेन्स पे कब्जा करते हैं. एंड हाउ डू वी कॉन्कर द ब्रेन्स? इस पूरी चीज में खेल आएगा बहुत सॉफ्ट चीज का. एंड व्हाट इज दैट? वो है बच्चों, दैट इज योर लैंग्वेज. तुम सोचो कि अरे लैंग्वेज की कहां से बात आ गई? लैंग्वेज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी जिंदगी का. बिकॉज लैंग्वेज, हमारी भाषा, सिर्फ भाषा नहीं होती. लैंग्वेज, यहां लिख रहे हैं बच्चों, लैंग्वेज इज द कैरियर ऑफ कल्चर. लैंग्वेज इज द एंटायर कैरियर ऑफ कल्चर. तुम देखोगे अगर हम लोग, व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश, वी थिंक इन अ सर्टेन वे. When we speak English, we have certain choices, certain norms, certain behavioral patterns, some specific dressing pattern. When we speak Hindi, जैसे अभी हम तुमको English पढ़ा रहे हैं, तो तुम हमको इस T-shirt में imagine कर पा रहे हो, और you can find me okay. अभी असल में अगर हम यहाँ पे कुछ भोजपुरी भाषाएं पढ़ाना शुरू कर दें, तो अचानक देखोगे कि ये T-shirt मेरी भोजपुरी पढ़ाई के साथ out of place हो जाएगा. As soon as I start talking about Bhojpuri, you expect me to be in certain dress code like kurta or gamcha. To kya kurta gamcha is equated with Bhojpuri? Nahi. Language ke saath kuch aata hai. Cultural pattern, soch, jeene ka tarika. Yani, agar tumhe short mein bataye bachcho, hamari bhasha badi important hoti hai. Hum jaisi bhasha bolte hain, us tarah ke cultural choices karte hain. तो जब एक कंट्री के लोग, when they speak their own language, they have their own cultural choices, they have their own dressing pattern, their own fooding pattern, but when you gradually start to leave your own language and start to adopt the language of the oppressor, oppressor, बच्चों, I'm using the word, लिख दे यहां पे तुम्हारे लिए, कौन सा word use कर रहे हैं? हम लोग word use कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, इस marker को open कर लें. हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां लिखते हैं तुम्हारे लिए वर्ड, हम लोग यूज कर रहे हैं ऑप्रेसर. ऑप्रेसर का मतलब क्या हुआ? अत्याचारी, ऑप्रेशन. हम लोग जब ऑप्रेसर की लैंग्वेज यूज करने लगेंगे, अच्छा बताओ, जर्मनी और फ्रांस के केस में, इफ जर्मनी डिफीट्स फ्रांस, हु इज द ऑप्रेसर? बोलो, जर्मनी जो डिफीटेड है वो क्या है? फ्रांस इज द ऑप्रेस्ड. Oppressor, oppressed. अगर तुमने क्या किया कि तुमने oppressor की लैंग्वेज को अगर बोलना शुरू कर दिया, एक बार तुमने अपनी लैंग्वेज को डिस्कार्ड किया और दूसरे के लैंग्वेज को पिकअप कर लिया, तो तुम पता है तुमने क्या किया? ग्रेजुअली यू स्टार्ट टू फाइंड दैट लैंग्वेज ओके, एक्सेप्टेबल, एंड देन देयर कल्चरल चॉइसेस, देयर लाइफस्टाइल, देयर थिंकिंग पैटर्न ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू सेटल डाउन इन योर ब्रेन. तुम धीरे धीरे उसके साथ अपने को एडजस्ट करना शुरू कर देते हो. जैसे आज हम भारत में रहते हैं, इट वॉज अ इंग्लिश कॉलोनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इंग्लिश कॉलोनी, इंग्लैंड. इंग्लिश पीपल स्टेड हियर एंड दे लेफ्ट इंग्लिश लैंग्वेज विद अस. तो बताओ, हम लोग जब आज इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो इंग्लिश चॉइसेस कितने आसानी से कर लेते हैं, हमें कहां कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जरा सा बुरा नहीं लगता. लेकिन तुम सोचो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है. मान लो हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं एंड वी स्पीक हिंदी. मान लिया जाए कि हम और तुम सब हिंदी बोलते हैं. व्हेन वी स्पीक हिंदी, हम हिंदी टाइप का कुछ चॉइसेस करते हैं, हिंदी टाइप का खाना, हिंदी टाइप का सोचना, हिंदी टाइप का जीवन जीना. जैसे ही तुम देखते हो एक मूवी में, कोई तमिल मूवी, कोई बंगाली मूवी, कोई कन्नड़ मूवी, तो हम लोग कई बार आपस में हंसते हैं कि देखो ये तमिल लोग कैसे. जैसे मेरी बात से ये मत सोचना कि हम किसी लैंग्वेज को अच्छा या बुरा बोल रहे हैं, पर हम आम तौर पर ऐसे ही बात करते हैं. जब हम तमिल भाषा के बारे में बात करते हैं, विषय ये देखो कैसा कंकड़ मारने जैसा कड़कड़ कड़कड़ लग रहा है, ऐसा हम बात करते हैं. ऐसा हम क्यों बोलते हैं जानते हो? क्योंकि हम उसके लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते.
और जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं वी फाइंड फॉल्ट विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट लैंग्वेज, और मन ही मन हम फील करते हैं जैसे हमारी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, बड़ी श्रेष्ठ है, वेरी सुपीरियर, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे शादी ब्याह का तरीका इज वेरी वेरी गुड, उनका वाला सब बुरा। इस डिस्कशन के साथ आई एम कमिंग टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डिस्कशन। एक बार इसको मिटा लें, इस बोर्ड को यहां थोड़ा क्लियर करते हैं बच्चों, और तुम्हारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट लिखते हैं। पहले इसको हमने इसको मिटाया यहां से, और अब तुम्हारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट, हम जिस तरह की लाइफ जीते हैं, अपनी लाइफ, अपनी लैंग्वेज, अपनी चीजों को लेकर वी फील सुपीरियर अबाउट आवर ओन थिंग्स, और जब हम अपनी चीजों को लेकर श्रेष्ठ महसूस करते हैं तो जानते हो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं। देखो, आई विल राइट अ न्यू वर्ड फॉर यू। क्या वर्ड लिखा हमने? द वर्ड इज शोविनिज्म। इसे क्या पढ़ते हैं? शोविनिज्म। इसको चाउविनिज्म नहीं पढ़ते, वी रीड इट एज शोविनिज्म। व्हाट इज शोविनिज्म? व्हेन यू फील अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अबाउट योर ओन थिंग्स, यू फील दैट माय कंट्री इज बेटर देन द अदर कंट्री, India is a better country than Pakistan and we are a very superior country. The way we live is better. Tum pata hai kya kar rahe ho? You are being chauvinistic about your own country. When US says, if India does not do this, we'll retaliate because US will not bow down. US kya kar raha hai? They are feeling chauvinistic. Chauvinism. तो अब बताओ, अगर हम अपनी लैंग्वेज को लेकर ऐसा महसूस करने लगे that our language is the best language, Our cultural choices are the best cultural choices. तो पता है हम कौन से शोविनिज्म में एंटर कर जाएंगे? हम लोग इस शोविनिज्म में एंटर कर जाएंगे जिसे कहते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। शोविनिज्म मीन्स सुपीरियोरिटी। लिंग्विस्टिक वर्ड इंडिकेट्स वॉट? बताओ, लैंग्वेज। यानी superiority about your own language is called linguistic chauvinism. Superiority about your own language. इस कहानी में क्या हो रहा है? तो आप बताओ, तुम हिस्ट्री में सुने होगे कि इंग्लैंड के लोग जब यहां आए थे, हम लोग के देश में रहते थे, उन लोगों ने जो पहला काम शुरू किया था वो हमें अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया था, because they thought that Indians are absolute fools and they were trying to educate us with their language. And asal mein kya ho raha tha? Wo humko apna slave bana rahe the. Kyunki jaise jaise hum unki language ko lete jayenge, waise waise hum unke slave bante jayenge. To apni language, aise to nahi bole wo log ki hum English chhod dete hain, Hindi is a wonderful language, aao isko le lete hain. Nahi, they said, aaj tak Sanskrit ka whole library, pura Sanskrit literature is not equal to even one rack of English literature. तुम्हें पता है ये बात? अंग्रेज अपनी भाषा को लेकर इतना superior महसूस करते थे। यानी वो क्या करते थे? बोलो क्या करते थे? Linguistic chauvinism. इस chapter में भी असल में यही चल रहा है। इस language chapter में बताओ किसने किसको defeat किया है? अभी तुमको बताए थे किसने किसको defeat किया है? Germans ने किसको defeat किया है? फ्रेंच को। और पता है उन्होंने क्या किया? डिफीट करने के बाद जर्मन्स स्टार्टेड टू इंपोज देयर लैंग्वेज अपॉन द फ्रेंच पीपल। दे स्टार्टेड टू इंपोज देयर लैंग्वेज अपॉन द फ्रेंच पीपल। जर्मन्स आफ्टर ऑक्यूपाइंग, ये जो कहानी है ये फ्रांस के एक छोटे से हिस्से की कहानी है। बच्चों तुम लोग ये टर्म नोट कर लियोगे, उम्मीद करते हैं, इसे जरूर नोट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और अब तुम्हारे सामने हम कहानी का वो एरिया लाने जा रहे हैं जहां ये कहानी चल रही होगी, जो कॉन्टेक्स्ट है इसका है। बच्चों, इसका कॉन्टेक्स्ट है, फ्रांस में एक जगह है अल्सेस लॉरेन इज अ स्मॉल प्लेस इन फ्रांस जहां की ये कहानी है। दिस स्टोरी एक्चुअली मूव्स अबाउट और टेक्स प्लेस इन दैट प्लेस।
अल्सेस एंड लॉरेन इज अ स्मॉल प्लेस इन फ्रांस, जहां पे जिसको जर्मन्स ने अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया था. और पता है उन्होंने क्या किया? दे ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रेंच लैंग्वेज विल बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ यूसेज एंड इट विल बी ओनली द जर्मन लैंग्वेज विच विल बी यूज्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन इन द स्कूल्स, इन टीचिंग्स, इन ऑफिशियल पर्पसेस. सो फ्रॉम नेक्स्ट डे विच लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज. अब ये गजब का दिन है. The people of Alsace and Lorraine are extremely depressed. They are very, very sad. Why are they depressed? Because they have read the notification, the orders that has come from Germany, that from next day, French is completely going to be discarded and every work will take place only in German language. Imagine yourself. Ek baar apne ko imagine karo. That an order comes that from tomorrow, everybody here will be working only in Chinese language, no Hindi language. You'll feel suffocated deep inside. Wo ghutan, us choti si jagah pe, ek chota sa gaon, ek choti si jagah pe, kaisa ghutan ka mahol hai, aur usme kya chal raha hai, aur us sab ke beech mein, ye puri kahani kya karti hai? Us moment, isi emotion ko capture karti hai, how Germany is exercising linguistic chauvinism over the French people, and how the French people respond to this case. Us Alsace-Lorraine ke log kaise respond karenge? Wahan ke bachche kaise respond karenge? Overall, wahan kya chal raha hai? Umeed karte hain toh meri baat samajh mein aa rahi hogi? Aage badhte hain, next stage pe jaate hain. Toh humne kya baat ki abhi tak? Ki Germany ne France ko occupy kar liya hai. Uski ek choti si jagah hai Alsace and Lorraine. Aur Alsace and Lorraine pe order kya hai? That from tomorrow, German language will not be, French language will not be used. Rather, it is only German language which will be utilized in every way possible. Alsace and Lorraine ke andar chala jaye ab, who is the protagonist of the story? Bacho, tum jante ho is word ka matlab, protagonist. Protagonist means the chief character. Who is the protagonist? The protagonist of this story is, I'll write the name here, is a teacher of French language. His name is M. Hamel. M. Hamel is a teacher of French language. And kya karta hai wo? He has been teaching in a language school for more than 40 years. M. Hamel has taught in a school French language. So he has his own school of French language. Ab batao, jab ladai hoti hai, to military ke logon se kya expected hota hai? Ki aap last tak, bilkul last tak, jab tak bhi aap mar na jayen, you will not leave your post, you will keep fighting the enemy, you will stand there, keep fighting, even if you lay down your own lives. Yehi expect kiya hai tha? Ab batao, I'm a teacher of French language. My name is M. Hamel. And I get to know that from tomorrow, German language will be used here. And tomorrow morning, I'm expected to leave this school forever, go back to my own village. A new teacher of German language will come here. And I have spent my 40 years teaching French language to people. Now, what is going to be my response? Kya main koi military ka soldier hoon? कि मैं बंदूक उठाऊं एंड आई विल गो एंड स्टार्ट किलिंग द जर्मन फोर्सेस? नहीं, हम सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी लड़ाई कर सकते हैं. नाउ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हाट डज एम हैमल डू इन दिस कॉन्टेक्स्ट. एम हैमल के पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन तो ये है कि व्हेन ही गेट्स टू नो दैट इट विल बी जर्मन लैंग्वेज विच विल बी टॉट टुमारो फ्रॉम टुमारो इन द स्कूल, एक आइडिया है कि आज के दिन बैठ के रोया जाए, उदास हुआ जाए, डिप्रेस हुआ जाए, आज जो स्टूडेंट्स आए उनसे बैठ के सिर्फ रो, बैठ के लेट्स क्राई टुगेदर बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे. क्या तुम समझ पा रहे हो इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है? द लास्ट लेसन किसका? लास्ट लेसन एम हैमल का लास्ट लेसन. तो एम हैमल का ये जो लास्ट लेसन है, ये आज क्या होने वाला है? एक लास्ट लेसन तो हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स आ जाए, लेट्स सिट डाउन, फील वेरी सैड, क्राई, टॉक एंड पार्ट, अलग हो जाते हैं. दूसरा ऑप्शन, वो ऑप्शन जो सोल्जर करता है,
सोल्जर क्या करता है? लास्ट तक लड़ाई करता है. टीचर क्या कर सकता है? लास्ट तक पढ़ा सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू बी गोइंग टू फील लो एंड फील बैड अबाउट वॉट एनीथिंग दैट हैज हैपेंड एंड नथिंग इज गोइंग टू सैप माई कॉन्फिडेंस. मैं अपनी पढ़ाई लास्ट तक पढ़ाऊंगा और ज्यादा उत्साह के साथ पढ़ाऊंगा. आज का दिन तो मेरे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टूडे इज द लास्ट लेसन ऑफ माई लाइफ प्रॉबेबली. तो मैं अपनी पढ़ाई आज और उत्साह के साथ पढ़ाने वाला हूं एंड दिस इज वॉट एम एम एल डज. और पता है एम एम एल ने क्या किया? जर्मन्स क्या कर रहे थे बताओ? जर्मन्स क्या कर रहे थे? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एक्सरसाइज कर रहे थे. क्या महसूस करा रहे थे फ्रेंच लोगों को? दैट योर लैंग्वेज इज इंफीरियर, जर्मन लैंग्वेज इज सुपीरियर. इसे लड़ने का तरीका क्या है? एज अ टीचर मेरा काम आज यह है, अंतिम दिन मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर दूं, इतना प्राइड इंस्टिल कर दूं, इंजेक्ट कर दूं. किस चीज के बारे में? अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज. इतना प्राइड मैं उनके अंदर भर दूं अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज कि वो अपनी भाषा को छोड़ने को तैयार ही ना हो. और जब वो अपनी भाषा को छोड़ेंगे ही नहीं तो जर्मन्स कभी उनसे अपनी बात मनवा ही नहीं पाएंगे. और ये तरीका होगा फ्रेंच लोगों का जर्मन लोगों से लड़ने का. यानी हम सब कैसे यूनाइट रहेंगे? हम सब कैसे मिलकर रहने वाले एक फोर्स की तरह? वी कैन स्टे टुगेदर एज अ फोर्स ओनली well when we speak a common language. So when we speak a common language, there is a thread that connects each of us. Hamari choices, hamari soch, hamara andaaz ek jaisa hoga, tab hum ek force ki tarah lad payenge. To apne bachchon ke andar, apne students ke andar, as a teacher main kya kar sakta hu? I can do best. I can instill pride about French language in my students. To pata hai hum kya karenge? Main unhe mehsoos karaunga ki French se badhiya to is puri duniya mein koi bhasha hi nahi. तो यानी लिंग्विस्टिक शोविनिज्म तो मैं भी करूंगा. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म तो मैं भी करने वाला हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ. उनके अंदर मैं शोविनिज्म भरूंगा आज. तो देखा बच्चों क्या मजेदार जगह आ गए हम लोग. इस पूरी कहानी में लिंग्विस्टिक शोविनिज्म ही हो रहा है, दो तरफा, बोथ वेज. जर्मन्स आर एक्सरसाइजिंग लिंग्विस्टिक शोविनिज्म ओवर द फ्रेंच. M. Hamel is exercising linguistic chauvinism from his side with a positive purpose. वो चाहता है कि इनके अंदर इतना घमंड अपनी भाषा को लेकर आ जाए कि अपनी भाषा को छोड़ने को तैयार ना हो. और ये चाहते हैं कि इनके अंदर कोई घमंड ना होने पाए, ये इनको ऑक्यूपाई करने बुलाकर लैंग्वेज से. तो यानी ये लड़ाई का मेन सब्जेक्ट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म होने जा रहा है. इसलिए इस पूरी चैप्टर का मेन सब्जेक्ट ही मैटर ही यही है. तो मैंने तुम्हें क्या बताया? हु इज द प्रोटैगनिस्ट? M. Hamel. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस कहानी का है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. उस कैरेक्टर का नाम है, सो हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर? M. Hamel. यहां एक बार लिख दिया जाए, प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट्स. तो कौन कौन प्रोटैगोनिस्ट हैं? M. Hamel. एंड हु इज द सेकेंड प्रोटैगोनिस्ट, द मेन कैरेक्टर? मेन कैरेक्टर इज फ्रांस, अ स्मॉल चाइल्ड. एक छोटा बच्चा है फ्रांस, जो एक स्टूडेंट है M. Hamel का, एक छोटा बच्चा है. ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है. और तुम जानते हो ये कौन है? ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. हम पूरी कहानी को फ्रांस के आंखों से देखते हैं और फ्रांस के मुंह से सुनते हैं. और जब एक बच्चा कहानी सुनाता है ना, बच्चा कहानी सुनाएगा तो कैसे सुनाएगा? बड़ों की तरह या बच्चों की तरह? ऑफकोर्स बच्चों की तरह. तो फ्रांस की पूरी कहानी तुम्हें लगेगी एक बच्चे की जुबानी सुननी है तुम्हें. ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. सो तुम्हें कहानी लगेगी जैसे कोई बच्चा सुना रहा है. रह रहे के तुम्हें फील होगा जैसे एक छोटा बच्चा तुम्हें कहानी सुना रहा है. तो हम लोग अब मेरे ख्याल से वी हैव डन अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी. पूरी तरह हम लोग पकड़ चुके हैं. क्या क्या पढ़ा हमने? बात किया दैट दिस स्टोरी हैज बीन सेट अप इन द बैकड्रॉप ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर. आई टोल्ड यू दैट प्रशिया वॉज जर्मनी, Franco was France, Germany defeated France and started to exercise linguistic chauvinism and impose its own language. M. Hamel as a teacher in a small place named Alsace and Lorraine decides to fight back. How does he fight back? By teaching his students on the last day with added enthusiasm and instilling as much pride in them about their own language as he is capable of. दूसरा कौन मेन कैरेक्टर है? फ्रांस.
और फैंस ही इस कहानी का नरेटर भी है। तो अब हम लोग बिल्कुल सेट है इस कहानी को शुरू करने के लिए बच्चों, हम लोग कहानी अपनी शुरू करने जा रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद लाइन बाय लाइन रीडिंग। हम उम्मीद करते हैं तुम टेक्स्ट अपने साथ रखे हो या फिर पीडीएफ पेज को भी अपने साथ रेफर कर पा रहे हो, तो उसको देखते चलोगे, लेक्चर सुनते चलोगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग। रुक रुक कर बीच में वीडियो पॉज कर लेना एंड कीप नोटिंग डाउन सम पॉइंट्स इन द बुक। वीडियो में ये बेनिफिट है, तुम आगे पीछे कर सकते हो। कहानी शुरू कर रहे हैं हम लोग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई, बताओ बच्चों, हु इज आई? कौन है? आई स्टार्टेड फॉर लेट, मैं बहुत देर में शुरू किया। हु इज आई? आई टोल्ड यू, फ्रेंड्स इज अ नरेटर। कौन कहानी सुना रहा है? यानी फ्रेंड्स उस दिन लेट हो गया है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल, बुक में देखते रहना, बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फ्रेंड्स इज गोइंग टू स्कूल। एम हैमल द टीचर हैड गिवन हिम सम होमवर्क ऑन फ्रेंच पार्टिसिपल। क्या होमवर्क दिया था भाई? यहां लिख लिया जाए बीच में, क्या होमवर्क था? फ्रेंच पार्टिसिपल। फ्रेंच पार्टिसिपल का होमवर्क दिया था एंड ग्रामर, मतलब फ्रेंच ग्रामर, पार्टिसिपल मतलब ग्रामर, फ्रेंच ग्रामर पे कुछ होमवर्क था विच फ्रेंस हैड नॉट डन। फ्रेंस इज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड एंड अ वेरी नॉटी चाइल्ड, इट डज नॉट फील इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एट ऑल। तो फ्रेंस ने होमवर्क किया नहीं है, एक डर की वजह यह है। एंड व्हाई इज ही मोर अफ्रेड? बिकॉज ही वाज लेट टू द स्कूल एंड एम हैमल वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। सो फ्रेंस वाज लेट दैट मॉर्निंग एंड ही वाज वेरी वेरी स्केयर्ड दैट ही वाज गोइंग टू गेट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम एम हैमल बिकॉज ही वाज लेट। वन, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क ऑन फ्रेंच पार्टिसिपल। टू, बोर्ड क्वेश्चन, Why was France afraid while going to school? तुम्हें आंसर मिल चुका है। One, because he was late. Two, because he had not done his homework on French participle. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. France thought I will not go to school today because M. Hamel is going to scold me. So I will run away and go to jungle. It was a warm day, very bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Kya kya ho raha tha? It was a nice day. Birds were chirping at the edge of the woods. Woods matlab jungle. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Udhar sawmill, lakdi ka फैक्ट्री जहां बुरादा बनता है उसके पीछे प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वो लोग ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अरे भाई, एक बच्चे से बोलो कि पार्टिसिपल पढ़ना है या जंगल में जाके बर्ड्स देखना है, सोल्जर्स को देखना है, बताओ क्या चीज ज्यादा मजेदार है? ऑफ कोर्स जंगल में भाग जाना अधिक मजेदार है। फ्रेंड्स फाइंड्स इट सो टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट क्या किया फ्रेंड्स ने, जंगल में भाग गया? नो, ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, उसने अपनी टेम्पटेशन को रोका और रोक कर डिसाइड किया आई एम गोइंग टू स्कूल एंड ही हरीड ऑफ टू स्कूल। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board. बुलेटिन बोर्ड जान लो जल्दी से। जब लड़ाइयां चलती रहती हैं वॉर टाइम में, जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं ना, बॉर्डर के गांव एरियाज जो बॉर्डर के नजदीक होते हैं, वहां पे आर्मी बुलेटिन बोर्ड्स लगाती है और उस पे हर रोज लिखा होता है कि आज हमने यहां का फ्रंटियर जीत लिया, आज हमारे सोल्जर्स वहां मारे गए, हमने उस गढ़ को जीत लिया है, आप लोग पीछे हट जाइए, आर्मी का अटैक हो सकता है। दीज आर ऑल कॉल्ड, ये जो खबरें जहां लगती हैं दैट्स कॉल्ड बुलेटिन बोर्ड। अरे इनके यहां भी तो लड़ाई चल रही है, तो यहां भी तो एक बुलेटिन बोर्ड होगा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। सो व्हेन ही वाज रनिंग टू द स्कूल देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड एंड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड लोग भीड़ लगाए खड़े थे क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, लोग भीड़ लगाए थे। थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम समझ जाओगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। भीड़ लगी थी, लोग पढ़ रहे थे।
क्या लिखा था, कौन सी बड़ी खबर थी उस दिन की? उस दिन की बड़ी खबर ये थी दैट फ्रॉम टुमारो फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी यूज्ड हियर एंड ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट एवरीवेयर एंड यूज्ड एवरीवेयर, यही खबर लिखी थी। अरे लेकिन इस छोटे बच्चे फ्रांस को ये बात कहां पता है कि ऐसी कोई खबर वहां लगी हुई है? वो बेचारा तो डरा हुआ है स्कूल जाते वक्त, बिकॉज ही वॉज लेट टू स्कूल एंड ही हैड नॉट डन हिज फ्रेंच होमवर्क। For the last 2 years, all our bad news had come from there. France बोलता है, तुमसे बोल रहा है France, क्या बताऊं? 2 सालों से हर बुरी खबर उस बुलेटिन बोर्ड पे आई है, क्योंकि France तो हार रहा था। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? मैंने सोचा, अरे अब क्या हो गया? But I hurried by as fast as I could go, but he did not stop there. अरे वो खुद डरा हुआ था, भागा स्कूल। The blacksmith watcher who was there with his apprentice, बच्चों apprentice का मतलब होता है trainee, जो training ले रहा होता है वो apprentice होता है। So the blacksmith, यानी blacksmith का मतलब क्या होता है? लोहार। तो blacksmith अपने एक apprentice के साथ खड़ा था वहां पे, watcher. He was reading the bulletin. अच्छा, वो blacksmith क्या किया? वो bulletin board को पढ़ रहा था। उसने जोर से बोला, called after me, don't go so fast, bub. Bub, bub means baby. मतलब, hey, छोटे बच्चे, don't go so fast. You'll get to your school in plenty of time. अरे क्यों भाग रहे हो? You have enough time. क्यों जा रहे हो फालतू में स्कूल भाग के? बताओ, blacksmith सही बोल रहा था या गलत? सही बोल रहा था, क्योंकि स्कूल जाने का कोई फायदा था नहीं। क्यों स्कूल जाएंगे आप जब पढ़ाई खत्म हो चुकी है, जर्मन लैंग्वेज यूज होने वाली है, फ्रेंच की पढ़ाई होनी नहीं है, क्यों स्कूल भाग के जा रहे हो? लेकिन यह बात हमारे छोटे नरेटर फ्रेंच को कहां पता है? फ्रेंच को लगा कि ये ब्लैक्समिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है कि आज स्कूल में पिटाई होगी मेरी जाके। सो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। So he kept running और बिल्कुल सांस फूलते हुए बेचारा जाकर पहुंचा। Where did he reach? He reached the garden of M. Hamel. यहां अब एक और मजेदार बात है। Franz, as a small child, ये लड़का हमेशा देर में आता होगा। And whenever he reached the school on regular days, तो स्कूल में क्या होता है? जैसे तुम कभी CATJEE आते हो और लेट पहुंचते हो, तो सुबह के टाइम में यू एंटर द गेट और तुम देखते हो बहुत सारे बच्चे इधर उधर खड़े हैं, हलचल का माहौल है, तुम चुपके से घुसो और उसे भीड़ का हिस्सा बन जाओ। कोई नहीं जान पाता कि तुम लेट आए थे कि टाइम पर आए थे, क्योंकि तुम भीड़ में घुसे और छुप गए जाकर, तो तुम्हें भीड़ का फायदा मिलता है। तो तुम क्या चाहते हो? व्हेन यू आर लेट, यू वांट द क्राउड टू बी देयर, ताकि तुम उसमें घुस जाओ एंड स्टीलली यू कैन फाइंड योर प्लेस और कोई जान नहीं पाएगा। अब सोचो कि तुम एक दिन दौड़ते हुए लेट पहुंचे और तुमने देखा कैंपस एकदम शांत, क्लास एकदम क्वाइट। अरे अब कहां जाओगे? अब तो दरवाजे में घुसोगे तो टीचर देख ही लेगा तुमको, एंड दैट डे यू विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड कि तुम लेट आए हो, और अगर कोई पनिशमेंट उस दिन मिलने वाली है, वो पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी उस दिन। आज क्या हुआ? व्हेन ही रीच द स्कूल, यूजुअली स्कूल में कैसा सीन होता था सुनो। There was a great bustle, bustle, बच्चों, bustle. Bustle word English में होता है, यहां लिखते हैं फिर वह भी बोर्ड क्लियर कर देंगे। Hustle and bustle मतलब होता है भाग दौड़, confusion. There was a great bustle which could be heard out in the street. इतना हलचल होता था that it could be heard out in the street. The opening and closing of desks. डेस्क का खुलना बंद होना, lessons repeated in unison, unison मतलब होता है together, बच्चे मिलकर एक साथ पढ़ाई करते थे, very loud, with our hands over our ears to understand better, and everybody shouted together, and how did we respond? हम सब अपना कान ऐसे करके बोलते थे, so that हम दूसरे की आवाज से डिस्टर्ब नहीं हो। And the teacher's great ruler rapping on the table. Great ruler rapping on the table. All these sounds came from the school on a regular basis. But now it was all so still. But aaj school mein everything was quiet. Kyun quiet hai? Ye tum achhi tarah jante ho. Kyunki idam sannata chhaya hoga.
एक बार बोर्ड को क्लियर कर लें सो दैट आई कैन राइट अ फ्यू न्यू थिंग्स फॉर यू। आज के दिन में बताओ बच्चों स्कूल में कैसा माहौल है? एकदम क्वाइट। क्यों क्वाइट है? क्योंकि सब लोग डिप्रेस हैं, एकदम शांति छाई हुई है, कौन क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। सो इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग एनवायरमेंट। सो आज क्या हुआ, व्हेन रीच द स्कूल एवरीथिंग वॉज क्वाइट। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। लिखते जाते हैं वर्ड्स को, यहां लिख रहे हैं। पहला वर्ड क्या हम लोग का आया? कमोशन। कमोशन का मतलब ही हुआ नॉइज एंड कंफ्यूजन, नॉइज एंड कंफ्यूजन। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंटेड ऑन कमोशन मतलब आई हैड डिपेंडेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड थॉट दैट आई विल एंटर द क्लास, nobody will be able to identify me, I will go to my desk, but of course that day everything had to be as quiet as a Sunday morning. How quiet it was? It was as quiet as a Sunday morning, like a holiday. Through the window I saw my classmates already in their places in the classroom. All his classmates were sitting at their places, and M. Hamel, the teacher, walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Under his arm, he was keeping his terrible iron ruler. I had to open the door and go in before everybody. Maine darwaza khola aur sabke samne andar gaya. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Tumse bol raha hai. किससे बात कर रहा है? फ्रेंड्स, तुमसे, रीडर से बोल रहा है। अरे तुम तो समझ सकते हो कि मैं कितना शर्मा गया। ब्लश, ब्लश मतलब शर्मा जाना, झेप जाना। मैं कितना शर्मा गया और मैं कितना डर गया। हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जब वो देर में घुसेगा तो एमएमएल क्या करेगा? एमएमएल इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, हो सकता है उसको मारे, पिटाई करे, पनिश करे। बट आज क्या हुआ देखो, बट नथिंग हैपेंड। M. Hamel saw me and said very kindly, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. That Franz, come here. Beta, baitho idhar. We were just starting without you. Tumhare bina hum log shuru kar rahe the. Ab ye to bada anokha ho gaya. M. Hamel bhi aaj gussaye nahi bilkul. Rather bole ki baith jao. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Phir se padhte hain slide ko. Not till then, when I had got a little over my fright ka matlab dar. Jab tak main dar par thoda kabu paya. क्यों डरा था भाई? अरे डरा था कि पिटाई होगी। तो मैं जब डर पर काबू पाया, did I see that our teacher had on his beautiful green coat? जानते हो क्या हुआ? दो घटनाएं तो ऑलरेडी हो चुकी हैं जो अलग हैं यूजुअल डेज से। चलो तुम बताओ, पहली घटना क्या हुई जो अलग थी? पहली घटना यह हुई कि हर रोज हल्ला होता था, आज स्कूल क्वाइट था। दूसरी घटना क्या अलग हुई? कि टीचर गुस्साते थे, आज गुस्साए नहीं। तीसरी घटना क्या अलग हुई? और देखते हैं। तीसरी घटना यह अलग हुई कि आज के दिन टीचर पता है क्या ड्रेस पहने थे? वो वाला स्पेशल ड्रेस पहने थे जो वो कब पहनते थे? प्राइज डेज, इंस्पेक्शन डेज, ऐसे स्पेशल डेज पर जो कपड़ा पहनते थे, आज वो कपड़े पहने थे। कौन से कपड़े? ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल वो जो ऐसे फ्रॉक वगैरह में होता है ना, फ्रिल ऐसा निकला हुआ, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप लगाए थे, सब एम्ब्रॉयडर्ड, बड़ा स्पेशल कपड़े पहने थे, दैट ही वोर यूजुअली ऑन इंस्पेक्शन डेज एंड प्राइज डेज। ये भी अलग बात हो गई। तीन बातें अलग हो चुकी हैं, बोलना नहीं, बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तुमसे क्या क्या अलग हुआ था उस दिन। तीन अलग चीजें हो चुकी हैं। चौथी अलग चीज, फोर्थ, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। बिसाइड्स, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सलेम। एक वर्ड आया बच्चों, सलेम। सलेम का मतलब होता है सीरियस, बहुत ही सीरियस।
स्कूल सन्नाटा और सीरियस लग रहा था, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. अरे सबसे अनोखी बात तो अभी बाकी थी, लास्ट बेंचेस पर क्लास के पता है कौन बैठा हुआ था? गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे पीछे, बच्चे नहीं, ओल्ड पीपल. कौन कौन? ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. अलग अलग लोग बैठे हुए थे आके. एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग बड़े दुखी लग रहे थे. एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. हॉसर तो अपने साथ एक प्राइमर लेके आए थे. तुम जानते हो प्राइमर क्या होता है? शायद तुम नहीं जानते होगे. प्राइमर वो होता है जिससे प्राइमरी लर्निंग होती है लैंग्वेज की. क ख ग घ एबीसीडी की जो बुक होती है उसी को प्राइमर्स कहते हैं. तो हॉसर तो अपने साथ एक प्राइमर लेके आया था जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज का एबीसीडी लिखा होगा. थंब एट द एजेस ऐसे पकड़ा हुआ था एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. अपने घुटनों पर बुक को खोल के बैठा था विद इट्स ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. उसका बड़ा चश्मा बुक पर ऐसे रखा हुआ था और बुक लेके बैठा था. व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं तो चौंक रहा था. मैं कौन? फ्रेंड्स? सरप्राइज था कि हो क्या रहा है. जब मैं सरप्राइज हो ही रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव एंड जेंटल टोन, गंभीर पर प्यार भरी आवाज विच ही हैड यूज्ड टू मी, ही सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine. Order has come from Berlin. Berlin's order aaya hai ki kal se German padhna hai. Kahan pe? In the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. New master. New master of which language? German language. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. आप सब बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap. मुझे तो लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिरी. किसको लगा? फ्रांस को. फ्रांस को लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिरी ये बात सुनकर. Oh the wretches. That was what they had put up at the town hall. अब ये समझ पाया कि वो टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ क्यों लगी थी. Now he could correlate that at the town hall on the bulletin board, this is what was written. Ye baat. Kaun si baat? That from tomorrow, only German language. My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. Kyun? Aisa kyun? Mujhe to likhna hi nahi aata abhi. I should never learn any more. Ab main kabhi French nahi padh paunga. I must stop there. Then, aaj hi mujhse फ्रेंच पढ़ाई रुक गई, खत्म, यहीं पढ़ाई खत्म. ये कुछ वैसा ही है जैसा कि कभी कभी तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो मेहनत से, और कई दिन तक तुम्हारे फादर मदर बोलते हैं, हो सकता है लॉकडाउन में तुम लोग ऐसा ही कर रहे हो, और कभी कभार फादर मदर बोलते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मगर तुम इग्नोर करते हो. और फिर एक दिन कभी कभी मदर या फादर बहुत गुस्से में आके बोलते हैं कि पढ़ना नहीं है ना, ये तुम्हारी किताब का बैग पूरा उठा के बाहर फेंकाते हैं, बल्कि इसमें आग लगा देते हैं, आज से तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. और अगर बाय चांस कभी गुस्से में ऐसा, शायद तुम जब छोटे होगे होता होगा या तुम्हारे साथ नहीं होता होगा, मेरे बचपन में हुआ, कभी कभी मेरी मदर ऐसा करती थी कि पूरा कॉपी किताब उठा के बाहर फेंक देती थी, या मेरी कॉपी को फाड़ दी बीच से आके, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था. उस मोमेंट जैसे ही मेरी कॉपी फाड़ी, उस वक्त लगता था कि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं. तब तक समझ नहीं आता था. यानी फ्रेंच जैसे शैतान बच्चे को भी ये बात कब समझ में आई कि फ्रेंच इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू लर्न? जिस दिन उससे फ्रेंच लैंग्वेज स्नैच कर ली गई, छीन ली गई. और शायद बच्चों उस एल्सेस लॉरेन के ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को अपनी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस थी उस दिन समझ में आई. बचपन से तो वो सब अनपढ़ होकर पढ़े नहीं, ध्यान नहीं दिए, अपने अपने कामों में लग गए, खेती बाड़ी बिजनेस में लगे रहे, पढ़े नहीं लेकिन अपनी लैंग्वेज को. और आज कोई आया
आके उनसे लैंग्वेज उनकी छीन लिया एंड नाउ दे कुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. आप सबकी हालत देखो. फ्रांस सोच रहा है, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. कितना दुखी हो रहा है. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जाके मैं चिड़िया के अंडे क्यों खोज रहा था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, उधर जाके मैं झूलों पर क्यों झूल रहा था. माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूशंस अ व्हाइल अगो, न्यूशंस मेरी किताबें जो महाबकवास मुझे लग रही थी कुछ देर पहले तक. सो हैवी टू कैरी, कौन पीठ पर ढोए. माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. किताबें मेरी दोस्त बन गई, मैं उनसे अलग होना चाहता नहीं था. एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. बुक में देखते रहना, सिर्फ वीडियो नहीं बुक को भी देखते रहना. और एम हैमल ये सोचना कि कल से हमारे टीचर एम हैमल रहेंगे ही नहीं. अब तक तो मैं सोचता था कि एम एमएल इज अ क्रैंकी टीचर, महाझक्की, महागुस्सेल, जैसा तुम लोग भी कभी कभी अपने टीचर्स के बारे में सोचते होगे. लेकिन अचानक जैसे ही सुना कि एम हैमल अब रहेंगे ही नहीं हमारे साथ, मुझे इतना दुख हुआ. मैं सब भूल गया. आई फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. पुअर मैन, पुअर मैन. बच्चों पुअर मैन मतलब गरीब आदमी नहीं, पुअर मैन मतलब बेचारा. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Ab main samajh paya ki aaj apne special kapde kyun pehen ke aaya tha. Tum bolo kyun pehen ke aaya tha bachcho, tum socho. Because he wanted to make this class a special class. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Main ye bhi samajh gaya कि वो लोग गांव के लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. दे वर रिपेंटिंग, पछता रहे थे वो. वाई दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, बचपन में क्यों स्कूल नहीं चले गए और आज लैंग्वेज छिन गई. पछता रहे थे इसलिए स्कूल में बैठे थे आके. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस and of showing their respect for the country that was theirs no more. ye gajak ki line hai bachcho, ek baar fir se pad liya jaye. why had the board question bhi hai, why were the village people sitting in the classroom that day? because they were feeling sorry for not having gone to school enough and they were there to thank the master for his 40 years of service. aaj class mein baith kar wo pata hai kiske prati kritagyata jahir kar rahe the? Towards the teacher M. Hamel who had spent 40 years teaching. खुद तो नहीं पढ़े पर आज कृतज्ञ फील कर रहे थे कि उन्होंने पढ़ाया. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और जानते हो किसके प्रति रिस्पेक्ट शो कर रहे थे? टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री. कौन सा देश? दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो उनका अब रहा ही नहीं. तो इसीलिए कितना लेसन है इस कहानी के अंदर, कितना ज्ञान है कि हमें अपनी चीजों के प्रति तब केयरफुल होना चाहिए जब हम हो सकते हैं, तब नहीं when everything is snatched. तो आज हम लोग चैप्टर के बच्चों एक जंक्चर, एक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं. इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद हम लोग अपनी पढ़ाई को यहां पर रोकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का सेम यहीं से हम लोग पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाएंगे. तब तक तुम लोग वीडियो को देखकर अपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, इसको ध्यान से रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से. और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर द लास्ट लेसन को फिर से आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए फिर थैंक यू सो मच.